Congress will hold a press conference across 21 cities today. 21 women Congress leaders will expose the Modi government on women's reservation bill during the media briefing. Congress MP Pawan Khera informed about the conferences and said that the agenda is to expose the treachery by the Modi government in the name of women's reservation bill to reserve one-third of seats in the Lok Sabha and state assemblies for women received the parliamentary nod as the Rajya Sabha unanimously voted in its favour. This attacks, in fact, come after Congress too welcomed the women's reservation bill, but had expressed disappointment over non-inclusion of OBC women in the bill and demanding an immediate implementation of the bill. Let's go straight across to Rai Singh, who is joining us from the Congress party in Haryana. Mr. Singh, what's going to be the big expose that will be made by your party today as far as women's reservation bill is concerned? देखिए, जहां तक पूरे देश के अंदर जब भी समाज में सुधार करने की कोई भी प्रावधान हो, कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से उठाया है। राजीव गांधी जी का सपना था जब पंचायती राज लागू किया गया था, और आज उसी का परिणाम है कि प्रत्येक गांव के अंदर राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर भागीदारी हो चुकी है। और जहां तक महिला आरक्षण बिल का है, यह भी उन्हीं का सपना था, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में इस बिल को लेकर आए थे और हमने कहा था कि महिलाओं को सशक्त करना है, उनको अधिकार देने हैं, लेकिन ये देश के अंदर जब से मोदी सरकार आई है केवल मात्र जुमलों की सरकार बन चुकी है। किसी भी महत्वपूर्ण बिल को उठाकर देख लीजिए, इनकी कोई भी घोषणाएं देख लीजिए, हर प्रकार से लोगों के साथ छलावा किया है। महिला आरक्षण के नाम पर देश के अंदर एक ऐसा सुनियोजित इन्होंने साजिश की है, षड्यंत्र करने का प्रयास किया है कि महिलाओं के हाथ में केवल लॉलीपॉप थमा दिया गया है। अभी पहले कह रहे हैं कि इसके अंदर डीलिमिटेशन होगा, उसके बाद आरक्षण का प्रावधान होगा, और उसके बाद महिलाओं के लिए चुनाव में 33% का आरक्षण मिलेगा। ये लगभग की जो प्रक्रिया है अगले 10 वर्षों तक जाकर पूरी होती है। अगर भाजपा सरकार के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार से ठोस निर्णय लेने की कोई भी किसी प्रकार की शक्ति रखती है या लोगों को अपना संदेश देना चाहती है, तो तुरंत इसी चुनाव में 50% से अधिक महिलाओं को आरक्षण देकर देश के अंदर जो राजीव जी का सपना था, जो इंदिरा जी की प्रेरणा थी, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के अंदर महिलाओं को अधिकार देने की जो हमारी लक्ष्य रहे, उद्देश्य रहे, उस पर अगर चलना है तो सरकार को ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। ओके, ऑल राइट मिस्टर सिंह, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस विद योर थॉट्स।